नौजवान साथियों, हमारी संस्कृति में कहावत है, सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूँ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। बारामूला से उनका नाता बचपन से रहा, उनके पिताजी भी यहीं तैनात थे, जरा पानी रखा दिया, और खुद भी उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह यहाँ काम किया। बारामूला से उनका लगाव विशेष था। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं दिया है, ये रहस्य मैं आज जरूर बताना चाहता हूँ। हमारे कई आर्मी ऑफिसर भी चाहते थे, प्रशासन में भी कई साथी चाहते थे, लेकिन बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे महान सपूत के नाम से ये लोकार्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस बारामूला को जनरल बिपिन रावत साहब ने हमेशा अपने दिल में बसा के रखा था, उस बारामूला के हर खिलाड़ी की धड़कन में, यहाँ के आम नागरिकों के सपनों में जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहेंगे। मुझे याद है जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में था, मैं था वहाँ, कम से कम बारामूला के 15-17 लोगों से निजी तौर पर मेरी वहाँ भेंट हुई थी, असंख्य लोग यहाँ से गए थे। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो एक कुशल योद्धा थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट तो थे ही, मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक चिंतक भी थे जिनकी ख्वाहिशें आवाम की तरक्की से जुड़ी हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बारामूला के नौजवानों को नए सपने, नई आकांक्षाएं और उन्हें पूरा कराने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे अनेक लोग मुझे मिले जिनके सुनहरे भविष्य की रचना जनरल बिपिन रावत साहब ने अपने प्रवास के दौरान बारामूला में की थी। आज इस अवसर पर मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बारामूला के सभी माताओं, बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तरक्की और अमन के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध होकर, एक होकर, संकल्पित होकर हम सब जनरल बिपिन रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे।